हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टर्निप एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से आप कस्टम थंबनेल ऐड करोगे, किस तरीके से आप स्ट्रीम ओवरले ऐड करोगे और किस तरीके से आप यूट्यूब के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग करोगे, फिर से और एक बार मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो कम्प्लीट देखने, इस वीडियो कम्प्लीट देखने के बाद आप आसानी से सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर एक लाइक कर देना मेरे भाई। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं इधर टर्निप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो आपने अभी तक टर्निप एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारा फीचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसा सेटअप स्ट्रीम है, उसके नीचे आपको बीटा रूम है, उसके नीचे स्ट्रीम नाउ है। तो बीटा रूम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा, जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेना। तो सबसे पहले मैं इधर सेटअप स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेटअप स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेम चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इधर फ्री फायर गेम चूज़ कर लेता हूँ। तो आप जो भी गेम खेलते हो यहाँ पर आप चूज़ कर लेना। उसके बाद आपका फीलिंग क्या है, मैं हैप्पी रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेइंग स्टाइल क्या है, सोलो या स्क्वाड, तो मैं स्क्वाड रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर में आप स्ट्रीम टाइटल लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट में लिखा है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं डिफ़ॉल्टली यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। उसके बाद टर्निप एप्लीकेशन यहाँ पर एक नया फीचर यहाँ पर ऐड किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो कस्टम थंबनेल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक थंबनेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं इधर एक थंबनेल यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इधर एक थंबनेल यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप थंबनेल ऐड कर सकते हो। दोस्तों, मैं इधर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर स्ट्रीम क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हो, आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो यहाँ पर आप स्ट्रीम क्वालिटी को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। उसके बाद मैं YouTube को यहाँ पर ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा चैनल यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन है। आपका चैनल यहाँ पर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका एक फीचर है ओवरले का, तो इसके ऊपर क्लिक करना। ओवरले के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टर्निप एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारा फ्री में आपको ओवरले देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कस्टम ओवरले भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। आपके पास कस्टम ओवरले है तो यहाँ पर अपलोड कस्टम ओवरले के ऊपर क्लिक करने के बाद कस्टम ओवरले ऐड कर सकते हो। तो मैं इधर एक चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो पेटीएम नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर कोई सा भी मैं एक नंबर दे देता हूँ। तो इस नंबर पर आप डायल मत करना, यहाँ पर मेरा नंबर ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस यूपीआई हैंडल है, तो उसके बाद इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आपका इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फेसबुक है, तो आपका फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज का आईडी यहाँ पर आप दे सकते हो। उसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ यहाँ पर ऐड किया था, मेरा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है और मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें ऐड करोगे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं इधर स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ टर्निप ऐप को। उसके बाद मैं बैक करता हूँ यहाँ पर से। उसके बाद स्टार्ट नाउ करता हूँ। तो स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो यह थोड़ा सा मैं इधर वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर गेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर गेम मेरा ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आपको टर्निप ऐप का जो बबल है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बबल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लाइव यहाँ पर लिखा है, मतलब यूट्यूब के अंदर अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो गेम यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो गेम ओपन होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा यूट्यूब के अंदर जाकर क्या लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेम को ओपन कर लिया। उसके बाद आपके सामने मैं YouTube को ओपन करता हूँ। YouTube को ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा चैनल है यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं चैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर योर चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो बहुत ही
अच्छा फीचर है, तो यहाँ पर जाकर यूज़ करना। देखिए गाइस यहाँ पर जो गाइस मेरा जो ओवरले वो यहाँ पर शो कर रहा है, मेरा जो नंबर है वो यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर जो इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पर मेरा शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं फिर से मैं गेम के अंदर चला जाऊँगा, उसके बाद किस तरीके से आपको स्ट्रीम को बंद करना है। तो सबसे पहले आपको टर्निंग पे आपको लोगो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक रेड ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपका लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर बंद हो जाएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आई है जरूर से एक लाइक कर देना, और आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है नीचे कमेंट मेरे को जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।